बीडीपीओ कार्यालय परिसर में इंद्री हलके के बीएलओ की बैठक में वोट बनवाने के महत्व को बेहद संजीदगी से लेकर कार्य करने का आह्वान किया गया। इस बैठक में इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। 10 फरवरी से वोट बनवाने का कार्य शुरू हो जाएगा और इस वोट बनवाने के कार्य को 2 दिन विशेष तौर पर रखा गया है। वोट बनवाने के इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ करने को कहा। यदि इस कार्य में कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये मीटिंग बुलाई गई थी, सभी दिशा निर्देश इनको दिए गए हैं। ये प्रोग्राम 10 फरवरी से स्टार्ट होगा और इसमें जो भी वोटर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जो भी पॉपुलेशन जो भी नागरिक हैं, वो अपना वोट बनवाने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा और उनकी सहूलियत के लिए दो स्पेशल कैंपेन डेट्स भी रखी गई हैं, जिस दिन 9 से 5 बीएलओ अपने बूथ पर बैठेंगे और जो है वोट बनाने में कोई वोट अगर गलत बना हुआ है तो उसको डिलीट करवाने पे, या फिर कोई डेथ शिफ्ट केस में अगर वोट डिलीट करवाना है तो उसके लिए शिफ्ट करवाने के लिए, या करेक्शन अपनी मतदाता सूची में अगर कोई करेक्शन करवाना चाहता है उसके लिए फैसिलिटेट करने के लिए ये बीएलओज़ की मीटिंग बुलाई गई। इसमें ये 10 फरवरी से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और फाइनल पब्लिकेशन होगी 30 अप्रैल को, और जो स्पेशल कैंपेन डेट रखी गई है 15, 16 फरवरी और 29 फरवरी 1 मार्च, सभी बीएलओज अपने अपने बूथ पर 9 से 5 प्रेजेंट रहेंगे। देखिए इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो यानी कि कितनी मतदाता हैं हमारे जनसंख्या के हिसाब से, उसको हम तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसको एटलीस्ट 65% हम क्रॉस करें। इस मौके पर इंद्री हलके के बीएलओ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। एसडीएम का कार्यक्रम में पहुंचने पर आयोजकों ने स्वागत किया और उन्हें पूरी निष्ठा एवं कर्मठा के साथ काम करने का भरोसा दिलाया। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने कहा कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। वोट का इस्तेमाल मतदाता तभी कर सकते हैं जब उनका वोट बना हो। उन्होंने बीएलओ को समझाया कि वोट बनवाना और वोट को रद्द करवाना दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन वोट कटवाने पर विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि एक बार यदि कट गया तो उसे दोबारा बनवाने में दिक्कत आती है। और पिछले साल 2 बड़े इलेक्शन हुए हैं, लोकसभा और विधानसभा, यानी कि उसने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सुपरवाइजर खास तौर पे ध्यान देंगे इसको, AERO यानी तहसीलदार साहब और मैं सुपरवाइज भी करेंगे पूरी तरह, लेकिन वोट डिलीट करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर वोट किसी गलती से गलत तरीके से बायचांस बन जाए तो उसको बाद में डिलीट करवाया जा सकता है, लेकिन अगर किसी जेन्युइन वोटर का वोट डिलीट हो गया तो ये आपके और हमारे पार्ट पे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। भारत 9 के लिए इंद्री से मेनपाल की रिपोर्ट।